दोस्तों, अगर आप स्पोर्ट्स के फैन हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारी यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स कैन को और दबाई उस बेल आइकन को ताकि आपको स्पोर्ट्स के रिलेटेड न्यूज मिले सबसे पहले। भाई साहब, MPL पर लूट मची है क्योंकि इस साल IPL पर फैंटेसी क्रिकेट खेलने पर आईफोन मिल सकता है आपको, और ये कोई एक बार का ऑफर नहीं है, रोज एक आईफोन दिया जाएगा। अगर मेरे सब्सक्राइबर में से एक जन को भी मिल जाएगा तो मजा आ जाएगा। कमेंट्स में थैंक्स जरूर बोलना अगर जीत गए तो। करोड़ों जीतो, करोड़ों जीत सकते हो, ये सब काफी सारे फैंटेसी अब दावा करते हैं, पर सच में देते हैं क्या? सच्चाई तो यही है कि सबसे आसान और सबसे रियल ऐप जो आपको लाखों तक जिता सकता है इस IPL, वो है MPL ऐप। MPL ऐप पर सबसे कम मार्जिन और सबसे तेज मनी ट्रांसफर है, कोई फ्रॉड नहीं है, रियल मनी, रियल पीपल, रियल विनर्स। जल्दी से लिंक्स पर क्लिक करके ऐप डाउनलोड कर लीजिए। MPL वीकली पास सिर्फ 29, हाँ सिर्फ 29 में आप कोई भी MPL फैंटेसी IPL ग्रैंड कॉन्टेस्ट फ्री में ज्वाइन कर सकते हो। इस वीकेंड ये जादू है MPL वीकली पास का, मैंने ले लिया है, आप भी देर मत करो क्योंकि ऑफर लिमिटेड है, कभी भी खत्म हो सकता है। मैं ये पास लेकर काफी टीम्स बना चुका हूँ MPL ऐप पर। चलो दिखाता हूँ आज की टीम कैसी बनी है, स्क्रीन पर देख सकते हैं मेरी आज की टीम। तो बनाओ MPL पर टीम और मेरी तरह जीतो। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है, कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। दोस्तों, IPL 2021 का 38th मुकाबला CSK कोलकाता टीम के बीच आज अबू धाबी के स्टेडियम में खेला जा चुका है। तो हम आपको बता दें कि यह मुकाबला बहुत ही रोमांचक भरा खेला गया, जिसमें सबसे पहले हम आपको बता दें कि कोलकाता की टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला लिया था, जिसमें कोलकाता की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 171 रन बनाए थे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोनों टीमों के प्लेइंग 11 के बारे में, जो कि वो हमें इस मुकाबले में खेलते हुए दिखी थी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कोलकाता टीम की प्लेइंग 11। तो हमें कोलकाता टीम की तरफ से खेलते हुए देखे थे शानदार बल्लेबाज सुमन गिल, दूसरे नंबर पे आते वेंकटेश अय्यर, तीसरे नंबर पे आते राहुल त्रिपाठी, चौथे नंबर पे आते एन मॉर्गन, पांचवें नंबर पे आते नितेश राणा, छठे नंबर पे आते आंद्रे रसल, सातवें नंबर पे आते दिनेश कार्तिक, आठवें नंबर पे आते सुनील नारायण, नौवें नंबर पे आते लुगी फेंगुसन, दसवें नंबर पे आते प्रदन कृष्णन, जबकि ग्यारहवें नंबर पे आते वरुण चक्रवर्ती। और वहीं बात की CSK टीम की प्लेइंग 11 के बारे में, तो वहां पे हमें देखने को मिले थे ऋतुराज गायकवाड, दूसरे नंबर पे आते फैफ डू प्लेसी, तीसरे नंबर पे आते मोइन अली, चौथे नंबर पे आते अंबाती रायडू, पांचवें नंबर पे आते सुरेश रैना, छठे नंबर पे आते महेंद्र सिंह धोनी, सातवें नंबर पे आते रविंद्र जडेजा, आठवें नंबर पे आते सैम करन, नौवें नंबर पे आते शार्दुल ठाकुर, दसवें नंबर पे आते दीपक चहर, जबकि ग्यारहवें नंबर पे आते जॉस हेजलवुड। दोस्तों, दोनों टीमों की प्लेइंग 11 थी जो कि वो हमें आज के मुकाबले में खेलते हुए दिखी थी। तो चलिए अब देख लेते हैं इस मुकाबले की फुल हाइलाइट्स। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि हमें कोलकाता टीम की तरफ से ओपनर्स में देखने को मिले थे शानदार बल्लेबाज सुमन गिल, जबकि दूसरे नंबर पे आते अय्यर। तो हम आपको बता दें कि सुमन गिल आज के मुकाबले में ज़्यादा अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पाए, तो हम आपको बता दें कि वो पहले दो ओवर में रन आउट हो गए थे। तो हम आपको बता दें कि सुमन गिल ने आज के मुकाबले में 5 गेंद खेली, जिसमें 2 चौके की वजह से 9 रन बनाए थे, लेकिन बाद में कि उनको अंबाती रायडू ने रन आउट कर दिया था। दोस्तों, वहीं बात की अय्यर की, तो हम आपको बता दें कि अय्यर भी आज के मुकाबले में ज़्यादा अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पाए और बहुत ही जल्दी आउट हो गए। तो हम आपको बता दें कि अय्यर ने आज के मुकाबले में 15 गेंद खेली, जिसमें 3 चौके की वजह से 18 रन बनाए। दोस्तों, इनका विकेट लेता शार्दुल ठाकुर ने, जिसके बाद बैटिंग रहते राहुल त्रिपाठी। तो जैसे कि आप लोग जानते कि पिछले मैच में राहुल त्रिपाठी ने शानदार बल्लेबाजी करी थी और आज के मुकाबले में भी उन्हें शानदार बल्लेबाजी करी है। तो हम आपको बता दें कि राहुल त्रिपाठी ने आज के मुकाबले में 33 गेंद खेली, जिसमें 4 चौके 6 की वजह से 45 रन बनाए थे, लेकिन बाद में कि उनका विकेट रविंद्र जडेजा ने ले लिया था। दोस्तों, वहीं बात की मॉर्गन की, तो हम आपको बता दें कि मॉर्गन आज के मुकाबले में बहुत जल्दी आउट हो गए। तो हम आपको बता दें कि मॉर्गन ने आज के मुकाबले में 14 गेंद खेली, जिसमें सिर्फ 8 रन बना सके। दोस्तों, इनका विकेट लगा जॉस हेजलवुड ने। और वहीं बात के नितेश राणा की, तो हम आपको बता दें कि आज के मुकाबले में नितेश राणा ने शानदार बल्लेबाजी करी है। तो हम आपको बता दें कि नितेश राणा ने आज के मुकाबले में 27 गेंद खेली, जिसमें 3 चौके और 1 छक्के की मदद से 37 रन बनाए थे। तो हम आपको बता दें कि वन तक नॉट आउट रहे थे। और वहीं बात की आंद्रे रसल की, तो शुरुआत में आंद्रे रसल बहुत ही शानदार शॉट्स लगा रहे थे, लेकिन बाद में कि उनका विकेट भी जल्दी गिर गया। तो हम आपको बता दें कि आंद्रे रसल ने आज के मुकाबले में 15 गेंद खेली, जिसमें 2 चौके 1 छक्के की मदद से 20 रन बनाए थे, लेकिन बाद में कि उनका विकेट शार्दुल ठाकुर ने ले लिया था।
दोस्तों जिसके साथ बैटिंग रहे थे दिनेश कार्तिक। तो हम आपको बता दें कि कार्तिक ने भी आज ज़्यादा अच्छी बल्लेबाजी करी है। तो हम आपको बता दें कि कार्तिक ने आज के मुकाबले में 11 गेंद खेली जिसमें 3 चौके 1 छक्के की मदद से 26 रन बनाए थे, लेकिन बाद में उनका विकेट भी जॉस हेजलवुड ने ले लिया था। दोस्तों जिसके साथ बैटिंग रहे सुनील नारायण, तो दोस्तों हम आपको बता दें कि नारायण को सिर्फ 1 गेंद खेलनी पड़ी जिसके चलते 20 ओवर में केकेआर की टीम ने 171 रन बना लिए। और वहीं बात की सीएसके टीम के बॉलर्स की तरफ से, तो वहां पे हमें शानदार बॉलिंग देखने को मिली जॉस हेजलवुड और शार्दुल ठाकुर की तरफ से, जिसके चलते सीएसके की टीम ने केकेआर की टीम को 171 रन पे रोक लिया।